नमस्कार, मैं अंकुश यादव एक बार फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज हम बात करेंगे कि अमीर अमीर क्यों हैं। जो अमीर इंसान होता है वो और अमीर क्यों होता जाता है, और गरीब क्यों होता जाता है। तो इस टॉपिक पे बहुत सारी समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं इम्पोर्टेंट 5 कारण आपको बताऊँगा कि अमीर अमीर क्यों हैं और गरीब गरीब क्यों हैं। तो नंबर पहले 5 कारण आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर इसका अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला कारण है अपना सामाजिक जागरूकता, दूसरा शिक्षा, तीसरा अंधविश्वास, चौथा स्वार्थीपन और पांचवा शो ऑफ। तो चलिए सब टॉपिक पे बात करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं सामाजिक जागरूकता की। तो जो अमीर इंसान होता है, अमीर व्यक्ति होता है, जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये तो बहुत अमीर है। जो नॉर्मल आपके क्षेत्र में, आपके शहर में जो भी अमीर आदमी, उनमें सामाजिक जागरूकता ज़्यादा होती है। उन्हें ये सबकी पता होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, या कहाँ पे, मतलब उसको ये चीज़ पता होती है कि कहाँ पे अपन ये काम करेंगे तो अपन को वहाँ से फ़ायदा प्राप्त होगा या वहाँ से अपने पास पैसा आएगा। लेकिन जो गरीब इंसान होता है, जो एवरेज इंसान होता है, वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपने दैनिक मजदूरी में लगे रहते हैं, जिनकी वजह से उनके पास सामाजिक जागरूकता की कमी रहती है। तो यही सबसे मेन कारण है पहला नंबर का, कि उनका अमीरों के पास गरीबों की अपेक्षा ज़्यादा वो होता है, सामाजिक जागरूकता ज़्यादा होती है। तो एक कारण ये है कि अमीर ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, उनको पता रहता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो अपना टाइम वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन जो एवरेज पर्सन होता है, गरीब पर्सन होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब जगह की सामाजिक जागरूकता सब डिटेल लेके रखे और वहाँ पर अपना फोकस करे। तो एक कारण ये हो गया अपना सामाजिक जागरूकता। यहाँ पर लेकिन इनके पास अमीर के पास ज़्यादा होती है, इनके पास एवरेज होती है या कम होती है, एवरेज या ना के बराबर या नहीं। देन सेकेंड नंबर बात आती है शिक्षा की। तो शिक्षा ऐसा है कि ये नहीं बोलूँगा कि दो अमीर के बच्चे भी करते हैं लेकिन गरीब के नहीं करते, शिक्षा दोनों के पास होती है। बट फर्क ये होता है कि अमीर जो ज़्यादा भी रिच आदमी, उनके पास उनके जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा, या उन वो लोग स्कूली शिक्षा तो लेते हैं, जो आप स्कूल जाते हैं वाली शिक्षा तो वो लोग लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग उनको बिजनेस की शिक्षा भी देते हैं और व्यापार की शिक्षा भी कौन अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन स्कूली शिक्षा और क्या कहते हैं व्यापार की शिक्षा, बिजनेस की शिक्षा दोनों इनके पास होती है, लेकिन इनके पास सिर्फ स्कूल की शिक्षा होती है जो लाइफ में सिर्फ आपको जॉब दिला सकती है लेकिन बिजनेसमैन नहीं बना सकती। तो इसके मतलब इसमें ये की तात्पर्य निकलता है कि स्कूल की शिक्षा ही बस इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको दुनिया भर की जो भी व्यापार से रिलेटेड है या जो उनकी लाइफ में ग्रोथ करेगी वाली शिक्षा देना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो अमीर के बच्चे होते हैं बहुत सारे नॉवल्स पढ़ते रहते हैं, ऐसी चीज़ बहुत सारी चीज़ नॉवल्स पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, मतलब उनके पास जो शिक्षा रहती है वो स्कूल के अलावा सब जगह से हर क्षेत्र की शिक्षा उनको अमीर लोग देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, वो सिर्फ इनको स्कूल की शिक्षा पर ध्यान देते हैं कि तुम सिर्फ स्कूल जाओ, स्कूल का ही पढ़ो। यही एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि जो गरीब के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा दूर का नहीं सोच पाते हैं और ज़्यादा वो अच्छा नहीं कर पाते हैं बिजनेस की फील्ड में या किसी भी फील्ड में लोग काम करते हैं, तो अमीर नहीं बन पाते, वो नौकरी से ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं स्कूली शिक्षा के कारण। स्कूल में हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे नौकरी करना है, कैसे नौकरी तक पहुंचना है। देन थर्ड पर बात करेंगे अंधविश्वास की। तो जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते, अपने काम पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपने बिजनेस पर कैसे ग्रोथ पे लाना, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अपना दैनिक जीवन का वो व्यापार धंधा पानी, यहाँ से पैसा आया यहाँ गया, इसी सब पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो हमारे एवरेज लोग होते हैं, गरीब बच्चे, उनके पास बहुत सारे अंधविश्वासों के कारण बनते हैं, कोई ये बाबा के पास जाएंगे, कोई वो मौलवी के पास जाएंगे। जो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बाबा हर मौलवी क्या होते हैं अंधविश्वासी होते हैं या जो भी होते हैं ढोंगी होते हैं, लेकिन आज गरीबी का मेन कारण यही है कि वो बिना सोचे समझे, बिना किसी की जांच पड़ताल किए किसी के भी ऊपर अंधविश्वास कर लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई एक्टर हो। कोई लोग तो अब भाई जो एक्टर्स होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं अपनी जगह, लेकिन कई लोग उनको फॉलो करने के पीछे पड़े रहते हैं कि अब वो अच्छे कपड़े पहन रहा है तो हम भी अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो और वो जो बोल रहा है, जैसे किसी राहुल गांधी ने बोल दिया कि ये करो, तब वैसे हम ये लोग ये करने लगते हैं कि उसी के पीछे वही काम करने लगते हैं जो कि सही नहीं है। तो अपन को ऐसे अंधविश्वास, ये लोग अंधविश्वासी नहीं होते हैं, ये लोग थोड़े बहुत 50% अंधविश्वास पर ध्यान दे देते हैं। देन उसके बाद आता है स्वार्थी। जो अमीर लोग होते हैं बहुत स्वार्थी होते हैं, बहुत मैक्सिमम लोग तो स्वार्थी होते हैं, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, उनके पास पैसा आना चाहिए, वो दूसरों के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमको अपनी लाइफ बेटर बनाना है। लेकिन जो हमारे जैसे गरीब लोग होते हैं, वो उनका दिल बहुत अच्छा होता है, वो जब हमेशा किसी न किसी की मदद करने की सोचते रहते हैं, जब भी कोई उनसे मदद मांगता है तो उसको खुल के मदद कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको कुछ नहीं मिलता उस मदद के बदले। तो अमीर लोग अपन लोग इस मामले में अच्छे हैं, लेकिन यही चीज़ अपनी
अपने लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है आगे चलकर। तो जो अमीर लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, लेकिन गरीब लोग अच्छे होते हैं। बट स्वार्थी होने के कारण ये लोग अपने अपने मुंह फोट बोलकर अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम लोग स्वार्थी नहीं होते, हम नरम दिल के होते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। ऐसे भी बोलो कि अमीर लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कंपेयर किया जाए तो अपन लोग अपने एवरेज लोग मिडिल क्लास लोग गरीब लोग बहुत ही सॉफ्ट दिल के होते हैं, वो किसी की मदद करने के लिए जल्दी मान जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग थोड़ी बहुत पीछे रह जाते हैं, तो इसमें अपन जीत जाते हैं। लेकिन स्वार्थी होना भी एक तरीके से सही है अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता, तो ये इस मामले में ये भी बाजी मार जाते हैं यहीं से ये लोग, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लेते हैं, दूसरे की मदद नहीं करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते हैं। देन हाँ, और शो ऑफ से आता है फिफ्थ नंबर पे आता है शो ऑफ। तो अमीर लोग क्या होते हैं, जब अमीर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो लोग अपना जो मतलब स्टार्ट के पास पैसा आया तो सिर्फ अपने एक ही बार पूरे सौ नहीं पूरे कर लेते। जैसे आप देखते हो कि जो बिजनेस मैन रतन टाटा मुकेश अंबानी, इनके पास बड़ी बड़ी कार हैं, इनके पास बड़े बड़े घर हैं, तो एकदम से नहीं किया उन्होंने। जब उनके पास फर्स्ट टाइम पैसा आया तो मैं बता रहा हूँ आपके पास अमीर को 50 रुपये मिले, इसको भी 50 रुपये मिले, तो इसमें से अमीर लोग क्या होते हैं, अमीर लोग 10 रुपये का खाना खाएंगे, 10 रुपये का क्या करेंगे, 10 रुपये का उनका मतलब घर का खर्चा, मतलब 20 रुपये में उनका घर का खर्चा चल जाएगा, और ये जो 30 रुपये वो कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे या इसका बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, वो 50 रुपये में से 20 का खाना खाएंगे, 20 रुपये खर्च करेंगे, 10 रुपये का और 5 रुपये का और कुछ कर लेंगे, और जो 5 रुपये बचता है उसकी सेविंग करेंगे। तो मतलब जैसे 5 रुपये की सेविंग करते हैं और ये लोग 30 रुपये की सेविंग करते हैं। तो सोचिए जो अमीर लोग होते हैं वो सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, एवरेज पर्सन होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, वो लोग ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में, नए कपड़े पहनने के चक्कर में, यहाँ ये बंदा जो आपको बता दूँ जो एवरेज पर्सन रहता है, जैसे कोई अमीर लड़का है, अमीर है अपने बराबर का, तो वो 200 रुपये की टी शर्ट पहनेगा, 500 रुपये का जीन्स पहनेगा, ठीक है, उसका 700 रुपये में खर्चा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है, अपने बराबर का यूथ होता है, वो 2000 का तो खाली जीन्स पहनेगा और 500 रुपये की शर्ट पहनेगा और 2500 रुपये। तो आज हम लोग मिडिल क्लास लोग या पुअर लोग वो क्या कर रहे हैं, शौक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शौक पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, यही एक रीज़न है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं, जो अमीर लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टार्ट से ही कहते हैं हमको ज़्यादा पैसा कमाना, थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा, जब उनके पास ज़्यादा हो जाता तब वो खर्च करते हैं। पहले उनके पास आगे सीधे कार नहीं लेंगे, वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद उससे और पैसा बनाएंगे, उसके बाद वो लोग कार लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे पैसा आया और सीधे अपन ने कार ले लिए, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो यही 5 टॉपिक हैं, 5 कारण हैं जिनकी वजह से अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब और गरीब हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना, और ऐसी गलती ना करना। अगर आपको भी लाइफ में अच्छा करना है तो शो ऑफ तो बिल्कुल ना करो, 200 की टी शर्ट पहनने में कोई शर्म नहीं, और 2000 की टी शर्ट भी वही होती है, कोई इतना जज नहीं करता कितने की होगी। तो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास पर ज़्यादा ध्यान मत दो, स्वार्थी मतलब ऐसा नहीं कि दान करने को नहीं बोला, लेकिन इतना मत करो कि हमारे पास खुद के पास ना बचे। और शिक्षा लो, स्कूली शिक्षा को ये नहीं बोलो कि बिल्कुल अच्छी शिक्षा नहीं है, ख़राब शिक्षा, लेकिन शिक्षा अगर आप स्कूल की ले रहे हो साथ में एडिशनल शिक्षा भी लो, बिजनेस की शिक्षा लो, या नॉवेल्स पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो ये सब भी आप करोगे तो आपका माइंड ज़्यादा ग्रोथ होगा और आपको ज़्यादा सोचने की समझने की क्षमता मिलेगी। देन उसके बाद सामाजिक जागरूकता, आप ऐसा नहीं कि आपको अपने काम से काम रखना है, आपको दूसरों का भी गाँव में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब का ज्ञान होना जरूरी है, तब जाके अपने आपको अपने लेवल को ऊंचा कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से ये सब आपने देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ जितना मुझसे हो सका मैंने आपको समझाने का ट्राई किया, तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे और अपने आप को ग्रोथ करने के लिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपका अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।